दोस्तों गिरनी के वीडियो हम बहुत दिनों से डाले नहीं, तो टाइम के बिजी के शेड्यूल की वजह से अभी वीडियो बना रहे हैं। ये है 10 किलो गेहूं जो हमने इसमें डाले हैं। और इसका प्रॉब्लम क्या है गिरनी का, कि जो आटा अंदर डालते हैं ना, तो ये आटा जो है जितने टाइम में बाहर निकलना है निकलता नहीं है, उसको टाइम लगता है। उसके लिए हमने इसको ये वीडियो बना के डाला है कि भाई जिसका आटा निकलने में टाइम लगता है उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। तो ये 3 HP की मोटर है, इसकी गिरनी की है। अभी देखो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत से दोस्त फ़ोन करते हैं कि आप आधा वीडियो डालते हैं, आप पूरा बताते नहीं क्या नहीं। तो देखो ये जो लगा है, ये जो साइड में लगा है, इसको निकालना है। हाँ, ये इसको निकालना है। अभी हम इसको निकाल दिए। ये जो भूसा है, ये डस्ट, ये जो भूसा है, ये चावल का जो भूसा है, इसको निकालना है। ये भूसा क्या करता, जल्दी निकलता नहीं बाहर। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आटा जो पीस रहे हैं ना, वो छन्नी में देर से निकलता है, तो देर लगती बाहर निकलने के लिए। और ये हमारे इसका एक और एक प्रॉब्लम था, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि आटा उड़ता है या मोटा बारीक आता है। तो ये हमारी जो हमने जो जाली बटाई गिरनी की, ये जो जाली है, ये जाली हमने बटाई, तो ये जाली का जो थोड़ा अंदर बाहर बैठती है, ये अभी जाली हमने बटाई, इसको साफ करना है। इसको जो है हमको क्या करना है, रोज डेली सुबह खोल के इसको साफ करना है। इसको हमें से इसको साफ करना है। साफ हो गई, ये पूरी साफ हो गई, इसको साफ करना है। और दूसरी बात क्या है, अभी यहाँ जो बैठा है, देखो ये जो डस्ट है, हमने क्या करा, ये पैकिंग दी इसको। देखिए ये कागज़ की पैकिंग है। पैकिंग हमने ये किस लिए दी, कि जाली जो बैठती है तो यहाँ जो गैप रहता है, ये गैप क्या, गैप रहने की वजह से, ये गैप रहने की वजह से आटे का जो ये है, आटा मोटा बारीक जा रहा है नीचे बोल के जाली से हमने ये बेटा इसको साफ करना है। अभी साफ हो गया है, अगर आप ऐसे साफ करते रहेंगे तो गिरनी के जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं नहीं आएंगे आपकी गिरनी में। अभी जाली हमने बिठा दी है साफ करने के बाद। अभी दोस्तों ये जो गैप है, ये गैप में से जो है ना आटा मोटा चला जाता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आटा मोटा नहीं जाना बोल के हमने क्या किया है कि इसमें एक कागज की पैकिंग दे दी। हाँ, इधर कम है, चेक करके बिठाना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें कागज की पैकिंग डाल दी इसे। हाँ, अभी कागज की पैकिंग डालने के बाद क्या करना है, घुमा के देखना है कहीं ये फंस तो नहीं रही, रुक तो नहीं रही, कहीं अटक तो नहीं रही है। बराबर बैठी, अभी बैठ गई बराबर से। अब इसको इसका ढक्कन पैक करना है। ये हमने पैक कर दिया, ये पूरी तरह से पैक हो गया। अभी हम इसको चालू करेंगे। ये इसका बास्केट है, इसमें जमा होगा, उसको निकाल देंगे। और जो बचा हुआ आटा जो नीचे का रहता है, ये हम बकरियों को वगैरह खिलाते हैं। तो चालू हो गए, पहले गिरने को चालू करना है। चालू होने के बाद इसको पूरी तरह से बंद करना है, फिर इसको उठाना है। हाँ, फिर इसको धीरे धीरे खोलना है इसके एम्पियर के हिसाब से। तो हो गया दोस्तों ये छोटा सा वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखो दोस्तों ये जा रहा है।